हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसम मैथमेटिक्स क्लास 9 की कार्यपत्रक त्रिज्या टॉपिक की जो आई हुई है 28/8/2023 की, इसके बारे में। आज का विषय क्या है? त्रिभुज, जो त्रिभुज आया हुआ है ना, त्रिभुज की कार्यपत्रक है, इसके बारे में बात करेंगे और त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, एक त्रिभुज हमेशा क्या होता है, ये बहुभुजाओं में जो है तीन भुजाओं वाला होता है और तीन शीर्ष होते हैं इसके। याद रखिएगा, प्रत्येक शीर्ष क्या करता है, एक कोण बनाता है और जितने भी कोण होंगे इन सभी का सम कितना होगा, योग कितना होगा, ये होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, आप देखो इसके तीन शीर्ष हैं, तीन भुजाएँ हैं और तीन कोण हैं और तीनों कोणों का योग कितना है, 180 के बराबर है। अब त्रिभुजों के प्रकार की बात करें तो ये जो है भुज के आधार, ठीक है, और कोण के आधार पर बनाए गए हैं, कुल छः होते हैं। समान बाहु त्रिभुज क्या होगा, जब सभी भुजाएं बराबर होंगी। सम द्विबाहु त्रिभुज कौन सा होगा, जब दो भुजाएं बराबर होंगी। और विषम भी जो है बाहु त्रिभुज कौन सा होगा, जब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। निम्न कोण त्रिभुज कौन सा होता है, वो कोण त्रिभुज होता है जो 190 से कम का कोण बनाता है। सम वो होता है जिसमें एक कोण 190 से जो है 90 से बड़ा हो। और अधिक कोण कौन सा होता है, वो होता है जो 190 से भी बड़ा क्या है, कोण बना रहा हो। कहने का क्या मतलब है, देखो निम्न कोण वो होगा, ठीक है, जिनमें क्या होगा 90 से छोटे एंगल बन रहे होंगे तीनों साइड पर। सम कोण में एक साइड पर 90 से बड़ा एंगल बनेगा और अधिका कोण जो है ना, इसमें एक तरफ जो है 90 से जो है बड़ा बनेगा। यहाँ एक 90 के बराबर होगा और यहाँ एक 90 से बड़ा होगा। पहला प्रश्न देखो, एक डैश त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग होती हैं तो विषम बाहु, ठीक। दूसरा क्या है, एक डैश के त्रिभुजों की सभी भुजाएं जो होती हैं 90 से कम होती हैं, तो याद रखना न्यून कोण। कौन सा, न्यून कोण, न्यून। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, अगला आपका दिया गया है कि एक डैश त्रिभुज का जो एक कोण होगा वह 90 के होगा, जो समकोण सम कहा जाता है, समकोण कहा जाता है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण समकोण त्रिभुज। एक डैश त्रिभुज की दो बराबर साइड होती हैं, बराबर भुजाएं होती हैं, तो याद रखना जिनकी बराबर भुजाएं होती हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सम द्विबाहु, सम द्विबाहु। क्या कहा जाता है, सम द्विबाहु। इसके बाद एक डैश त्रिभुज का कोई भी भुजा जो है वो समान नहीं होगी, तो याद रखना जब कोई भी भुजा समान नहीं होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है समबाहु। क्या बोला जाता है, समबाहु। तो यहाँ पर लिख लो, आप जल्दी से लिखो समबाहु। एक डैश त्रिभुज की तीनों बराबर की भुजाएं होंगी, तो जब बराबर की होंगी तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये समद्विबाहु होगा, इसको सही कर लो पहले। ये वाला सम द्विबाहु होगा, है ना, ये वाला सम द्विबाहु होगा बेटा, इसे सही कर लेना, है ना। और यहाँ पर होगा विषमबाहु, क्या होगा, विषमबाहु। ठीक, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।